बस चलें आप जिसका पूछो उसे शीरी से, शीरी नाम है मरी मरिया चाय वाय नहीं पिलाएगी। So they're saying that is that it will go now, and they're also asking that aren't you going to offer us any tea? Aren't you going to offer us any tea? क्या बोलती है? सर करी बिल्कुल दूंगी। हाँ दे। Okay, give us a cup of tea then, please. इसको उठा दूँ। सिर्फ टी बस नींद भी नहीं आएगी लेकिन महसूस भी नहीं होगा अगर रात को मैं जागती रही। यू मे नॉट बी एबल टू स्लीप बट एट द सेम टाइम यू वोंट एक्चुअली फील एज़ दो यू बीन अवेक ऑल नाइट इन बिटवीन द टू अरे ये सही में थकती हुई। इसका मतलब है अल्लाह ने इसको चोस जिसका चुन लिया। दैट मींस दैट गॉड हैज चोजन यू। ये अपने बस में नहीं है, ये उसकी तरफ से होता है। दिस इज नॉट विद इन योर ओन पावर, इट इज फ्रॉम गॉड। ओह आई नो इट्स नॉट विद इन माय ओन पावर। मैं कह रही थी हकीकत है कि मेरे बस में तो बस में नहीं है। योर फ्रेंड्स नाउ यू क्राई फॉर गॉड। सरकारी पूछ कह रहे हैं ऐसा ही जैसे वो चिड़िया और वो अपना जब मज़ा चख लेती है अपने शहद का, ये जैसे मक्खी होती है वो फिर ऐसे उससे तल्लुक हो जाता है। उन चिड़िया को शहद मिलता है मुश्किल से ना इस कारण। बट इट्स विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट द हमिंग बर्ड फाइंड्स द नेक्टर। Very blessed that the flower came to us. Sorry, I'm really very big and very big saadat hai ki jo phool hai wo hamari taraf aaya humko bhi. Ye Allah ne bheja hai, hamari tumhari rishtedari kya hai? God has sent us to you, otherwise we're not related to you. कहाँ जिक्र किया करेंगे इसी जगह? सरकार आस्किंग विल यू डू जिक्र इन दिस प्लेस? जी सर यहीं करेंगे। आज करना? आर यू डूइंग इट टुडे? कब करना? और व्हेन व्हेन डू यू डू जिक्र नेक्स्ट स्टार्ट? व्हेन विल यू स्टार्ट? द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मंथ जुलाई 4th। अगले महीने की 4 तारीख हर महीने के पहले जुमे को। Good day to start and get being a celebration of our freedom. So, 4 July is a good day. It's the beginning of the country's freedom. And also, it's a good day to I have not yet experienced zikr. Just chanting it on out loud. Are you experiencing chanting inside? So, I'm getting the zikr. का तजर्बा भी नहीं हुआ लेकिन अंदर से अल्लाह अल्लाह की महसूस हो रहा है। Same time there's one of these big trucks with the ghetto blasters
and it will come down the street, boom, 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 at the same time. First time I thought it was funny, but now it's happened like three or four times. I don't know. अगर पूछ रहे हैं एक तजुर्बा मेरे साथ होता है पहले एक सिर्फ एक मरतबा हुआ फिर दो तीन मरतबा ऐसा हुआ रात को मैं कुर्सी में बैठ जाती हूँ जब भी अल्लाह अलग करना शुरू हो जाती है तो बराबर में एक ट्रक गुजरता है तो बड़ी तेज़ी आवाज़ के साथ म्यूज़िक उसमें लगी होती है जब भी ऐसा करती हूँ तो म्यूज़िक ट्रक गुजरता है म्यूज़िक के साथ ऐसा उसकी रुकावट के लिए दस टू ऑब्स्ट्रक्ट योर टू डिस्ट्रक्ट योर अटेंशन I was wondering if that sometimes what happens inside of us is reflected in our outside world also. And that's what I, you know, if sometimes we see, get inner signs, but sometimes outer signs. So, उनका ख्याल था पूछ रहे हैं कि जो कुछ अंदर होता है क्या जाहिर में भी उसका कोई इशारा मिल जाता है उसका मज़र होता है बहुत जगह ऐसा होता है ना जो लोगों में प्रैक्टिस हुआ है पक्का चल रहा है ना जी सर जब अल्लाह लगा तो उसको पक्खों से अल्लाह की आवाज़ आती है Sometimes this happens that many people who start to say Allah Allah and they may have a fan in the room and, which is on and they'll actually hear Allah Allah from the fan as well. Many people will be driving and saying Allah Allah and they'll actually hear from the engine a voice saying Allah Allah. But that actually the voice is not does not belong to the engine. It's your own voice. But you'll actually feel it vibrating with the engine. An ongoing experience like that, the engine, the sounds in the car, even the keys jingling together. I felt like going insane. Everything is saying hello, hello. सरकार करेंगे मेरे साथ भी ऐसा तजर्बा होता है कि गाड़ी में जब बैठता हूँ तो गाड़ी की जो टिक टिक इंजन की हत्ता की चाबियों का भी तो सब अल्लाह अल्लाह ही मुझे लगती है और मैं सोच रहा हूँ मैं पागल तो नहीं हो गया जब ऐसा होता है ना कि आदमी ज़मीन पर बैठता है जी सर तो उसको ज़मीन कांपती शुरू लगती है कुर्सी पर बैठता है कुर्सी कांपती शुरू कुर्सी नहीं कांपती उसका अंदर जो है ना Sometimes what happens is somebody sitting on the floor and you feel as though the earth is shaking beneath you. Other times you may be sitting on a chair and you feel the chair is shaking. It's not the chair that's shaking on the earth, it's actually your heart inside. That's vibrating to such an extent. By Allah Allah. It's called by Allah Allah because of the zikr. The last few mornings when I've been doing zikr, it's like that. I just feel like I've been cradled to the same pulsation. दो तीन दिन से जो है वो सुबह में जिक्र जब करता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई झूले में जो है वो अंदर इसका दस्त हार्ट मूविंग जब आँखों में आता है ना अल्लाह जी सर फिर वो जिधर देखते हैं ना तो उसको वहाँ अल्लाह नज़र आते हैं व्हेन अल्लाह कम्स ऑन टू द आईज देन व्हेरेवर यू लुक यू एक्चुअली सी अल्लाह दरख्त को देखता है आसमान को देखता है इंसान को देखता उसको उसमें अल्लाह ही लिखा नजर आता है एंड देन आफ्टर दैट स्टेज व्हेन यू लुक एट द ट्री लुक एट द स्काई लुक एट अ पर्सन व्हेरेवर यू लुक यू विल जस्ट सी अल्लाह रिटन ऑन दैट थिंग उनमें होता नहीं है उसकी आंखों में होता है उसके इट इज नॉट एक्चुअली इन द ट्री और द स्काई और द पर्सन बिकॉज़ इट्स इन योर आईज व्हेन एवरीवेयर यू लुक यू विल सी इट उस टाइम फिर जो लोग यहां तक पहुंचे ना उन्होंने कहा ना अल्लाह हर चीज में इसका एंड इट इज व्हेन सम पीपल हैव रीच्ड दैट स्टेज व्हेन दैट हैपेंड टू देम इट इज दोस पीपल दैट सेड गॉड इज इन एवरीथिंग उनको हर चीज में अल्लाह दिखता था बिकॉज़ दे कुड सी गॉड इन एवरीथिंग द नेम अल्लाह ऑन एवरीथिंग दैट्स व्हाई दे सेड गॉड इज इन एवरीथिंग लेकिन ये गलत है उनमें अल्लाह नहीं है अगर हर में अल्लाह होता तो फिर जिसमें अल्लाह है वो दोज़ख में क्यों जाएगा यस सर बट दैट इज नॉट द केस दैट गॉड इज इन ऑल दोस थिंग्स इट्स व्हाट ही सीज़ ऑन हिज आईज और शी सीज़ ऑन हर आईज दैट ही डजंट सी ऑन एवरीथिंग एल्स एंड गॉड इज नॉट इन एवरीथिंग अदरवाइज व्हाई वुड गॉड क्रिएट हेल फॉर इट एक तबका वो मानता है कि अल्लाह हर चीज़ में एक तबका वो कहता नहीं हर चीज़ में नहीं वो सिर्फ उनमें जिनके दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही है इसका देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल वन ग्रुप सेज दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड द अदर ग्रुप सेज नो गॉड इज ओनली इन दोस पीपल दैट हैव अल्लाह अल्लाह इनसाइड रूहानियत में ये दो किस्म का तबका है इसका देयर आर टू ग्रुप्स इन स्पिरिचुअलिज्म वो जो कहता है ना अल्लाह हर चीज़ में
फिर जब अल्लाह तक पहुंचा ना वो, तो उसने बहुत दूर से देखा, उसके नज़दीक नहीं आने दिया, तो दूर से ये रोशनी नज़र आता है, ये बॉडी नज़र नहीं आता. उसने कहा अल्लाह नूर है. Those people that say that God is in everything, when they actually went far beyond into the higher realms, and God didn't actually let them get very close to them, and they saw light, just as you see this bulb at some distance, you don't really see the light, but you won't actually see the glass bulb itself. तो जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह सिर्फ दिल में है ना, तो वो अल्लाह के जरिए बिल्कुल अल्लाह के करीब पहुंच गया ना. जी सर. Those people that say that Allah Allah, by doing Allah Allah, only God then comes within you, they got very close to God. तो वो कहता है कि वो नूर भी है तो बॉडी भी है. जी सर. Those people then said that God is light and He has a body as well. वो कहता है उसके हाथ पैर सब कुछ, ज़बान सब कुछ. जी सर. Those people said that God has hands and He's got a tongue and everything else. ये इन दोनों फरीकों में झगड़ा है. जी सर. This is the discrepancy and the reason for conflict between the two groups. It's like the story about the blind man and the elephant. ये कुछ सगर करेंगे, ये ऐसे ही किस्सा बन गया जैसे वो एक नबीना था और हाथी था. हाथी था. यस. जो सबसे बेस्ट है ना वो अल्लाह ला इस वाला. यस सर. बट द बेस्ट ऑफ द टू इज द ग्रुप दैट सेज God is only within you when Allah Allah starts within you, when He actually comes within the heart. तो वो जो लोग हैं ना वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वो कुछ दूसरा, कोई या रहमान या या रहीम या या कुदूस, वो जिक्र करते हैं. जी सर. The other group which says God is in everything, they do the other names, they chant other names in remembrance, ya rahmano, and the attributal names, but not the personal name of Allah. तो ये अल्लाह ऐसा नाम है, इसको मुस्लिम भी करने से डरता है दिल से कि ये जलाली है. इसका अल्लाह, द नेम अल्लाह, इवन द मुस्लिम्स आर फियरफुल ऑफ चैंटिंग दैट नेम बिकॉज़ इट हैज सो मच मैजेस्टिक एंड पावरफुल एंड हीट एनर्जी इनसाइड इट. तो ये इसका एक वाक्य है कि जिसके दिल में अल्लाह पर होता है ना, तो फिर अल्लाह के कर्म से होता है. स्टोरी रिलेटेड टू अबाउट दैट, that in whose heart Allah happens, it does happen with the will of God. France gaya Paris mein. Ji sir. Waah, mujhe unhone ek kamra diya, jo main kamre mein ghusa na to mera zikr bhi band ho gaya, to mere dil ki dhadkan bhi band ho gayi. Maine samjha ab main kyunki zikr dhadkan ke sath mila hua. And I went to Paris once, and then people that offered me a room, and I, as soon as I entered into the room, I felt that my zikr stopped. And I also felt that my heartbeat stopped. तो मैंने समझा कि ये मेरा आखिरी वक्त है मरने का. And then I felt and I realized that my time has come. थोड़ी देर के बाद फिर झटका लगा, फिर जिक्र भी चला और धड़कन भी जारी हो गई. And then after some short time, I felt a vibration. My zikr restarted, and I also started to feel my heartbeat. उसके बाद मैं सोचता रहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, 20 साल हो गए, मेरा जिक्र कभी भी बंद नहीं हुआ. जी सर. तो यहाँ बगैर किसी वजह के क्यों बंद हुआ? Then I thought to myself that for 20 years my zikr has never stopped, and I have not committed any deed as a result of which it should have stopped. Then why did it stop here? तो फिर आवाज़ आई कि ये यहाँ की जो सोबत है ना, माहौल है ना, ये उसका असर था. And then I heard a voice and it said to me that this happened to you because of the culture and the atmosphere which is in this place. मैंने कहा कि मेरा पुख्ता जिक्र बंद हो गया, तो इन लोगों का जिक्र कैसे चलेगा इस माहौल में? Then I said that my zikr is so strong and so powerful and is so steadfast that if mine actually stopped, then how is it possible that somebody living in such an environment, their zikr would start? फिर उस वक्त आवाज़ आई कि ये अल्लाह का बहुत ही करम होगा, तब उनका जिक्र चलेगा. Then the voice said to me that indeed it would be a great mercy and a great bounty from God that if living in such an environment, somebody's heart should start to say Allah Allah. अब भी अगर किसी का ये दिल अल्लाह अल्लाह होता है ना, तो उसके कर्म से होता है, वरना कोई भी नहीं. Now if somebody's heart should start to say Allah Allah, it is with the grace and the blessing, the mercy and the bounty of Almighty God. Without that, it cannot happen. तो फिर ये सबूत है कि उसके कर्म से हुआ, अब तेरे ऊपर उसकी नजर होगी, अब तू घबराता किस चीज से? And this is the proof that once God has chosen you, He's been merciful, Allah Allah started, that means God is looking upon you. You are within His vision and sight, so what have you to fear thereafter?
So what is happening to me? That is zikr, yeah? That is zikr. सर पूछेंगे जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये जिक्र ही है जिक्र ही है ना जी यस दैट इज तो पहले क्यों नहीं हुआ जिक्र के बाद ही तो हुआ जिक्र दैट इज जिक्र बिकॉज़ व्हाटएवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इज हैपेंड टू यू आफ्टर जिक्र व्हाई डिडंट इट हैपन बिफोर अब इसके साथ खुद हो रहा ना आप कोशिश करें ना धर्म के साथ उसको खुद मिलाएं ना जी सर नाउ इट इज हैपनिंग टू यू एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस बट यू मस्ट मेक सम एफर्ट टू ट्राई टू मैच इट विद योर हार्ट बीट क्योंकि अंदर उसकी रूह है ना वो करें ना जिक्र ये भी उसके साथ मिल जाए ना दोनों पे मिल के करें ना नाउ इट्स योर सोल इनसाइड दैट एक्चुअली इज चैंटिंग बट नाउ यू मस्ट मेक सम एफर्ट एंड जॉइन योर सोल इन चैंटिंग द नेम एंड ट्राई टू मैच इट विद द हार्ट बीट Continue to go to God, just chanting with the heartbeat, or do you can also have to do the other zikr, the other? Sukari puchne ke Allah tak jo rasta jata hai, wo sirf Allah Allah zikr karne se hai ke baaki lataif bhi zikr karein tab hota hai. Noor se jata hai na. Yes, sir. Sare ikatthe milke jab noor banate hain, to noor se connection milta hai na. Yes, sir. They all get together and make the chanting and make the light. When the light becomes together when all the spiritual bodies come together it is that light that makes the connection to jitni zyada light hoga na utna zyada dur jayega na iska the more light you have the farther the distance you cover so to answer your question yes it's not just one it's all the spiritual bodies when they all engage in the remembrance but if you only did the one the chanting to the heartbeat every day and as many times as you could Would the others be automatic, or do you have to do the other zikr as well? I'm asking that only from the heart to do the zikr, or do the other zikr also have to be done? Have to do it. Uska yeh tarika sikhate hain na mission wale karte hain. Lataif bolte hain. Jiska each spiritual body has to be activated, and you have to do the chanting with each spiritual body, and that is the method that the Shaheen does in the zikr that they have once a week, I think it is. इस तरीके से भी चला जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है उस तरीके से जल्दी वो मखलूकें भी जिसका जस्ट बाय डूइंग द जिक्र ऑफ वन स्पिरिचुअल बॉडी द हार्ट अल्लाह अल्लाह यू कुड अचीव दैट बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम बट बेस्ट मेथड इज टू डू इट विद ऑल स्पिरिचुअल बॉडीज सो दे ऑल कंबाइन दे ऑल डू द चैंटिंग दे ऑल क्रिएट लाइट एंड देन दैट लाइट बिकम्स पावरफुल एंड बिग ये सबसे अदना जो है ना वो क्लब है फिर ये सारों सबक सीखता है सिखाता है फिर सबसे आला ये इसके जरिए भी अल्लाह को जाता है इस पर द कल्ब ऑफ योर हार्ट द स्पिरिचुअल बॉडी इज द लोएस्ट स्पिरिचुअल बॉडी इज द फर्स्ट बॉडी फर्स्ट अल्लाह पर ए द फर्स्ट जस्ट एज यू हैव ए इन द अल्फाबेट देन द अदर स्पिरिचुअल बॉडीज दे लर्न दिस नॉलेज एंड फाइनली द वन इन द हेड व्हेन दैट स्टार्ट्स टू चैंट एंड क्रिएट द लाइट इट इज द वन दैट एक्चुअली गोस टू गॉड डू यू हैव टू स्ट्रोक it with your head my neck is really bad and it makes me sick to my stomach and I was wondering if there's a way that I could still do the zikr without bobbing the head because when I do that it's kare puchne jo zarbe lagate hain ye lazim hai ki meri gardan mein takleef hai kuch bimari aur dard hoti hai nahi takleef hai sirf tasavvur kar liya kare na is kare if you have a medical condition then you don't have to actually stroke on the chest then just to be visualize I understand that by awakening the bodies that then at some point God willing the veil is lifted between the heart and I'm not sure exactly where the veil is but the veil is sometimes people the veil is broken or lifted prematurely that don't have the discipline of सर पूछ रहे हैं कि किसी मकाम पर जब ये लताइफ जिक्र करते हैं तो वो जो कोई पर्दा अंदर हिजाब है वो क्या उठ जाता है और ऐसे भी होता है कुछ लोग जिक्र नहीं करते हैं लेकिन उनका भी पर्दा उठ जाता है जिक्र के बगैर पर्दा उठता है मरते मरते वक्त उठता है या जब जिक्र पूरे नूर फैल जाता है तो पर्दा उठता है इट इज़ डिफिकल्ट वर्चुअली इम्पॉसिबल दैट सम पीपल्स वेल्स वुड बी लिफ्टेड विदाउट दिस जिक्र इन दैट केस इट वोंट बी लिफ्टेड जस्ट बिफोर डेथ
But in the other case, it's through this zikr and the spiritual bodies. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अल्लाह का बंदा हो तो उसको एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, उस वक्त उसको पर्दा हटता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो डर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर आता जाता है. It is the case that if one is a friend of God or close to God, and then if that person should suffer an accident but not die, then momentarily that veil will be lifted, and one would become fearful of God. And then when he would recover completely, then that veil would sort of come and go. It would return again. Friend of God, no? Yes, God. Who are you? Just call Allah. Sorry, not a friend of God. Some person that whom God wished to show the sign. फिर ऐसे ही होता है ना, जब ये एक्सीडेंट देखता है तो स्पीड आस्ते कर लेता है थोड़ी देर के लिए. Like this. That's what happens. It's just like this. That when you experience an accident, or when you see an accident, you slow down. But after you pass that, then you increase your speed again. So actually, that's like the people that see the light, or say they see the light, and then come back, and then their lives change. सर कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने रोशनी देखी है कुछ, और फिर वो रोशनी देखने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, अच्छे हो जाते हैं. रोशनी अच्छी भी होती है ना, इशारा भी. अगर रोशनी सुरख देखे, आग देखे, तो वो तो अच्छी नहीं है ना. अगर सफ़ेद देखे ना, तो फिर अल्लाह की तरफ से इशारा है ना उसको. Indeed is the case. Many people see different lights. If you see a white light, then that's a direction from God, and that's good for you. But if you see the fire or the red light, that doesn't necessarily mean it's good. Besides the sound, Allah, Allah, is there a sound to God? A sound to the name of God? No, like certain sounds related to maybe. Besides the chanting, related to angels or to God? Within the heart? Just in general. Is there, like, in this one path, spiritual path I've practiced before, they talk about different sounds being associated to different levels of God in your spiritual unfoldment. So, in this path is, you see the light and you hear it.